सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो कारवां तू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्रेटू आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदेद कहती हूँ। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस साइमा नसीर आपसे मुखातिब हूँ। सेशन वन, पहली नशिस्त। बेटा जी, आज हम अपनी पहली नशिस्त का आगाज़ करते हैं। बेटा जी, आज की नशिस्त में हम सरगर्मी जो आज आपकी है वो मज़मून है, हम मेरा भाई पे कुछ लिखेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपकी उर्दू की किताब से उठाया गया है। उर्दू की किताब में आपकी जो है तफहीम दी हुई है, सफ़ा नंबर में आपको बता देती हूँ, सफ़ा नंबर 30 पर, ठीक है। सफ़ा नंबर 30 पर नसर निगारी लिखी हुई है। आपके कुछ सवाल वहाँ किए गए हैं और लिखा हुआ है कि मेरा भाई या मेरी बहन के अनवान से सवालों के जवाब तरतीब वार और खुश खत लिखें। तो जब उन सवालों के जवाब लिखे हैं तो आपका एक मज़मून बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने एडिशन की है कि जैसे उसमें भाई का नाम नहीं है तो उसमें जो है वो मैंने आपके भाई के नाम की जगह भी छोड़ी है। आपसे बड़े भाई हैं या आपसे छोटे हैं तो आप जो है इसमें चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। अगर आपका भाई आपसे बड़ा ही है तो आप यहाँ छोटे की जगह बड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है। या आपके भाई बड़ा भी है छोटा भी है तो फिर आप छोटा एज इट इज़ लिखो। इसी तरह आप उसकी एज उम्र जो है वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जो ये छोटा लंबा कद और रंग सफेद ये चीज़ें या खेलता और पढ़ता ये आपने तब्दील नहीं करना। दूसरा बेटा जी, ये मैंने मेरा भाई लिखे, आप मेरी बहन पे भी लिख सकते हो, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर मामा को आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप भाई पे सब लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये आपकी किताब की एक्टिविटी है सफ़ा नंबर 30 की, लेकिन आप जो है इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे, फिर आप जब पेपर वगैरह हों तो उसमें आप इस बुक नोटबुक से याद कर दें, क्योंकि बुक की कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप हो जाती हैं। सबसे पहले अपनी कापी में पेज बनाएं, जमात का काम लिखें और आज की तारीख लिखें और आज का दिन लिखें। आप पहले पहली लाइन में लिखेंगे सरगर्मी, मज़मून, मेरा भाई, आप अनवान लिखेंगे। नंबर वन, मेरे भाई का नाम डैश है। आप सब अपने अपने भाइयों के नाम यहाँ लिखेंगे मामा की मदद से, मामा से आपने हेल्प लेनी है और कि आपके भाई को उर्दू में आपके भाई का नाम कैसे लिखते हैं। नंबर दो, मेरा भाई मुझसे छोटा है। नंबर तीन, वो 6 साल का है। आप यहाँ उम्र तब्दील भी कर सकते हो, वो 2 साल का है, 4 का है या 6 का है, ठीक है। नंबर चार, इसके बाल छोटे, कामा कद लंबा और रंग सफ़ेद है, ठीक है। इसके लिखने का मकसद ये है बेटा जी, आपको जो है आपकी वोकैबलरी में इजाफा होता है, आपको छोटा कद और लंबा सफ़ेद ये चीज़ें लिखनी आ जाती हैं, ठीक है। नंबर पाँच, वो मेरे साथ खेलता और पढ़ता है। नंबर छः, मुझे इसकी हर बात पसंद है। नंबर सात, मैं पढ़ाई में उसकी मदद करता हूँ। अगर आप लड़की हैं, गर्ल्स जो हैं वो करती हूँ लिखेंगे। नंबर आठ, और उसको गिरने से बचाता हूँ। लड़कियाँ लिखेंगी बचाती हूँ, लड़कियाँ बचाता नहीं लिखेंगी, ठीक है, और लड़के बचाती नहीं लिखेंगी, ठीक है। बेटे जी, ये मज़मून आपने अपनी नोटबुक में लिखना भी है, साफ़ सुथरा लिखना है, नीट एंड क्लीन लिखाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसको याद भी करना है। आपने याद ऐसे करने हैं, आपने सिर्फ 3 जुमले याद करने हैं, जब वो याद हो जाएं फिर आपने चौथा जुमला और पांचवा याद करना है, फिर आपने ये दो याद करने हैं, छठा और सातवां, फिर आखिर में आठवां। यानी आपने इसको तोड़ के याद करने, ये नहीं कि आप 1 से लेके 8 तक याद कर लें और ज़्यादा मज़मून, आपने थोड़ा थोड़ा याद करना है, हर रोज़ 3-4 दिनों में आपको ये पूरा मज़मून याद हो जाएगा, ठीक है। बेटा जी, आज के लिए इतने ही काफ़ी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुमामीन, अल्लाह हाफिज़।